हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ अंजलि रामदेव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ASRV नेट ICAR नेट एग्रोफॉरेस्ट्री सॉल्व पेपर 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। इसके अलावा यदि आप एग्रोफॉरेस्ट्री का कोर्स को परचेस करना चाहते हैं ICAR JRF के, तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जा सकते हैं या आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई जाएगी और इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको टॉपिक वाइज सारा कवर कराया जाएगा सिलेबस। सो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं यदि परचेस करना चाहते हैं, और टेस्ट सीरीज भी परचेस करना कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है विच इज़ मेल बैम्बू, इनमें से मेल बैम्बू कौन सा है। यहाँ पे हमने सिर्फ आंसर ही लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो भी ऑप्शंस थे उनको नहीं लिया, डायरेक्ट आंसर्स को दिया है। तो आप यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस जो है वो मेल बैम्बू है। आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन दिए होंगे, करेक्ट आंसर दिस टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एज पर ISFR 2019 के अनुसार जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना है, वो है 24.56। टाइप ऑफ प्लांटिंग सिस्टम इन विच वन एक्स्ट्रा प्लांट इज प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ ईच स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जो इसमें से प्लांटिंग सिस्टम का टाइप कौन सा है जिसमें कि एक्स्ट्रा प्लांट को हम प्लांटेड करते हैं सेंटर में, और ईच स्क्वायर के बीच में सेंटर में एक प्लांट को हम करेंगे तो उसको हम बोल देते हैं क्विंकस प्लांटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला। जो क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला है G/4 × L ये है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ डायमीटर एट 1/2 हाइट एबव DBH, DBH का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डायमीटर एट रिस्ट हाइट, ठीक है। एंड डायमीटर एट रिस्ट हाइट इज, तो इसमें से रेशियो बताना आपको 1/2 एबव, ठीक है, 1/2 एबव DBH से 1/2 ऊपर, और DBH की जो रेशियो है वो होता है एब्सोल्यूट फॉर्म, क्वेश्चन बोला जाता है उसको। इफ़ नर्सरी बेड साइज इज़ 1.5 × 8 meter, ठीक है, यदि नर्सरी बेड का साइज 1.5 × 8 meter है और स्पेसिंग बोले, स्पेसिंग कितना दे रहा है, 2 × 4 meter दे रहा है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लांट्स, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्लांट्स। तो 120 प्लांट्स हाइपोथेटिकल वैल्यूज जो है इसमें आंसर आएगा 120 प्लांट्स। नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व टिल February 2021, तो इनमें से जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ February 2021 तक के टाइगर रिजर्व कितने हैं नंबर ऑफ, तो वो है 51 है। नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, वो है 18। नंबर ऑफ चैप्टर एंड सेक्शन इन IFA 1927 में, तो इसका है 13 चैप्टर एंड 86 सेक्शन। परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया ड्यू टू लाइटनिंग और स्टोन रोलिंग एक्सेट्रा, तो इसमें से परसेंटेज क्या है फॉरेस्ट फायर का इंडिया में किसके कारण, लाइटनिंग के कारण और स्टोन रोलिंग के कारण, वो है लेस देन 5% जो एरिया इस पर है परसेंटेज है। शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेल्टा बेल्ट, सेल्टा बेल्ट के क्रॉस सेक्शन का शेप किस टाइप का होता है, वो होता है ट्रायंगुलर शेप में होता है। ग्रोथ रेट ऑफ फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज इज, ग्रोथ रेट क्या है इसमें फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज की, तो 10 m³ ईयर इनवर्स है, ठीक है, पर ईयर आप बोल सकते हो, ठीक है, 10 m³ पर ईयर। बेसिक एक्टिविटी ऑफ वाटर सेड मैनेजमेंट, जो बेसिक एक्टिविटी है वाटर सेड मैनेजमेंट की, वो है सर्वे एंड इन्वेंट्री। WPA 1972 वॉज अमेंडेड इन, जो WPA है वो 1972 में अमेंडेड हुआ था 2003। इसका आंसर करेक्ट नहीं है तो आप इसको बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में करके, ना आप गलत मत लेते रहिएगा। अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट इंडिया सेट द टारगेट टू सिक्वेस्ट हाउ मेनी टर्न्स कार्बन बाय 2030। इनमें से जो पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो इंडिया ने सेट किया था टारगेट कितना का, कार्बन बाय 2030 तक का 2.5 to 3.3 billion tons। नेचुरल रोटेशन ईयर ऑफ डलवर्जियो सिस्टो, जो डलवर्जियो सिस्टो है उसका नेचुरल रोटेशन ईयर क्या है, वो 60 ईयर। ओजोन
डेप्लीशन सब्सटेंस जो डिप्लीटिंग जो ओजोन की क्या हो रहा है, ओजोन जैसे जैसे कम होते जा रही है ओजोन लेयर, उसके डिप्लीशन होने का कारण क्या है, सब्सटेंस CFC, CFC का जो स्टैंड फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो ओजोन डे, इससे रिलेटेड जो ओजोन डे है हम 16 जून को सेलिब्रेट करते हैं, सेप्टेम्बर में ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम इज़ एवेल्युएटेड बाय, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्टिविटी है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम की, उसको एवेल्युएट किए जाते हैं LER के द्वारा। नेक्स्ट है NMPV कम्स अंडर MOA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। तो जो इंटरनेशनल सेंटर है किसके लिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट के लिए, वो कहाँ पर लोकेटेड है, IIFM भोपाल में लोकेटेड है। वर्टिकल सैम्पलिंग इज गिवन बाय, जो वर्टिकल सैम्पलिंग है वो किसके द्वारा की दी गई है, वो है हिराटा के द्वारा दी गई है। वाइट डामर बिटेरिया इंडिका है, वाइट डामर बिटेरिया इंडिका है। फिर है गगल्स गमा, इसमें है कॉमीफोरा बेटी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इज, देखो रिलेशन किसके बीच में, वन डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और उससे ज़्यादा या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है उसको हम बोल देते हैं मल्टीपल कोरिलेशन बोला जाता है। नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट आर इक्वल इन विच डिजाइनिंग, वो है LST। हेडक्वार्टर ऑफ AICRP ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट, तो इनमें AICRP जो है, AICRP स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट CAFRI झांसी में, ये लोकेटेड है। CAFRI जो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, झांसी में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन, इनमें से कौन सा जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन में नहीं आता, वो सोशल नहीं आता, ठीक है, सामाजिक का इस पर कोई लेन देन नहीं होता। द फॉलोइंग फ्रूट ट्री स्पीसीज हैज़ बीन प्लांटेड ऑन लार्ज स्केल इन कोस्टल एरिया, इनमें से जो फ्रूट ट्री स्पीसीज जो है इनमें से बहुत ज़्यादा प्लांट की जाती है कहाँ पर, लार्ज स्केल इन कोस्टल एरिया में, वो है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। नेक्स्ट है फाइटो जियोग्राफिक रीजन्स इन इंडिया, इंडिया में फाइटो जियोग्राफिक रीजन क्या है, कितने हैं, वो है 8। विच टाइप ऑफ सॉइल सुटेबल फॉर सोएरिया रोबस्टा के लिए, कौन सी सॉइल सुटेबल है, वो है बेल्ट्रेन सैंडी लूम सॉइल, इसमें सुटेबल है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, वो है रशियन फेडरेशन में। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, द वुड प्रिजर्वेटिव विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप डेवलप्ड बाय FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। विच वन इज नॉट अ की फीचर ऑफ DND, का की फीचर क्या है, एडाप्टिबिलिटी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ ट्री प्लांटिंग इन एले क्रॉपिंग, यदि हम एले क्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें हम ट्री प्लांटिंग का डायरेक्शन कहाँ पे रखेंगे, तो ईस्ट और वेस्ट की तरफ हम इसका डायरेक्शन को रखते हैं। साइकिलिंग ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज, साइकिलिंग एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का साइकिलिंग किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की इकोसिस्टम है, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी बोलते हैं। सीड जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ मेलिया डुबिया इज 30-40%। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन इज मेजर ग्रुप एंड सब ग्रुप, ठीक है, मेजर ग्रुप एंड सब ग्रुप एज पर चैंपियन एंड सेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसमें 5 मेजर और 16 सब ग्रुप हैं, ठीक है। मीन मीडियन और मोड में रिलेशनशिप, तो इसमें आपको बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है ना, मोड इज इक्वल टू होता है 3 median - 2 mean, ठीक है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज हाईली यूज, इनमें से कौन सा मेजर जो है डिस्पर्सन है हाईली यूज किया जाता है कोफिशियंट ऑफ वेरियंस का, वेरिएशन का। टी टेस्ट किस में अप्लाई किया जाता है, लेस देन 30 सैंपल्स में कम इसमें अप्लाई किया जाता है टी टेस्ट। द वैल्यू दैट लाइज इन सेंटर वैन एटम्स आर अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इनमें से जो वैल्यू है क्या करते हैं, लाइज होते हैं सेंटर में, है ना, वैन आइटम्स आर अरेंज, जबकि आइटम्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे हम बोल देते हैं मीडियन बोलते हैं। इको सिस्टम वॉज टर्म्ड गिवन बाय, तो जो इको सिस्टम टर्म है वो किसने दिया था, AG टांसले ने इसको दिया था। फादर ऑफ ट्री इम्प्रूवमेंट इन इंडिया इज, फादर कौन है ट्री इम्प्रूवमेंट के इंडिया में, वो है एस केदारनाथ है। पॉपुलेशन कलेक्टेड ऑफ सिलेक्टेड ट्रेड्स कॉल्ड एज ब्रीडिंग रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन पॉपुलेशन, इनमें से पॉपुलेशन जो कि कलेक्ट की जाती है उसके ट्रेड्स के, उसको हम कहते हैं ब्रीडिंग रिसोर्स प्रोडक्शन पॉपुलेशन, तो इनमें कहेंगे हम लोग ब्रीडिंग पॉपुलेशन इसको बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा ब्रीडिंग पॉपुलेशन।
ध्यान नहीं दीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी कवर हो गए। नेम ऑफ टीक डिफोलिएटर का नेम क्या है इसमें, हाइब्रिया प्योरिया जो है इसमें नेम है टीक डिफोलिएटर का। स्पीसीज सुटेबल फॉर फुलफिलिंग एनर्जी एज वेल एज डेंड्रोमस डेंड्रोमास रिक्वायरमेंट यूकेलिप्टस है। खुस ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो खुस ऑयल है उसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, विटिवेरिया जिजेनॉइड से करते हैं। विच फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिली इकोसिस्टम, हिली इकोसिस्टम मतलब जो पहाड़ी इकोसिस्टम है वहाँ पे कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है टोपोग्राफिक फैक्टर जो ठीक है टोपोग्राफिक फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस पर रोल प्ले करता है। द ट्री सिलेक्टेड थ्रू कंपेरिजन और चेक्स ट्री मैथड इज कॉल्ड एज प्लस ट्री बोला जाता है। जेनेटिकली सुपीरियर ट्री इज कॉल्ड, जेनेटिकली जो सुपीरियर ट्री है वो क्या है, एलाइड ट्री है। एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, वो हुई थी ऑन फेबररी 2014 में। जी बी एच इज मेजर्ड एट 1.37 मीटर में, हम इसको क्या करते हैं मेज़र करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ क्राउन टू द हाफ बे डिस्टेंस बिटवीन द लोअर ग्रीन ब्रांचेस, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है कहाँ से टिप ऑफ क्राउन से और कहाँ तक, हाफ बे डिस्टेंस बिटवीन द लोअर ग्रीन ब्रांचेस, तो उसे हम बोलते हैं क्राउन लेंथ बोलते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू टिप ऑफ द ट्री, इसका होगा टोटल हाइट, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से बेस से लेके टिप ऑफ द ट्री में, उसको बोलते हैं हम लोग टोटल हाइट। ग्रेविया ऑप्टिवा साइल्टिस ऑस्ट्रेलिस बेस एग्रोफॉरेस्ट्री इज फेमस इन विच रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। टोंगिया सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, जो टोंगिया सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कहाँ पे की, किसके द्वारा की गई, डी ब्रांडिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है आफ्टर इंडिया विच इज़ द सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी, इंडिया के बाद सेकेंड कंट्री किस कौन है जिसने एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी को अप्लाई अडॉप्ट किया, वो है नेपाल कंट्री। कॉनोमीटर इज़ यूज इन वर्टिकल पॉइंट सैम्पलिंग के लिए, कॉनोमीटर का यूज़ करते हैं। स्टम्प एनालिसिस इज यूज फॉर, जो स्टम्प एनालिसिस है उसमें एज डायमीटर और बेसिक एरिया के लिए हम लोग उसका एनालाइज करते हैं। होम गार्डन्स आर कॉमन इन विच एरिया, होम गार्डन्स कहाँ पे कॉमन होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे होम गार्डन्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं होम गार्डनिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी डिफेक्टिव ट्री स्पीसीज आर रिमूव फ्रॉम विच कैटेगरी ऑफ डोमिनेंट ट्रीज, इनमें से बहुत वेरी इफेक्टिव स्पीसीज है किसको रिमूव्ड होती है फ्रॉम विच कैटेगरी ऑफ डोमिनेंट ट्रीज से, आई सी। मेंटेनेंस ऑफ हार्डी बीन बीन वर्क इक्विलिब्रियम इज एनकरेज वैन, इनमें से मेंटेनेंस हार्डी बीन ब्रिक बैन बीक बैन वर्क इक्विलिब्रियम इज एनकरेज वैन कब होता है, जब जीन फ्लो डू नॉट अकर अमंग डिफरेंट पॉपुलेशन, जो जीन फ्लो है वो नहीं होता अकर है ना different populations में। the rotation through which a species retains satisfactory vigor of growth and repletion on a given site silviculture rotation बोलते हैं। which does not comes under trinity of forms norms वो है एज क्लास distribution। 67 का है the distribution of regeneration and fillings over an area forming a part or whole of working circle without affecting local conditions, इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका, रीजनरेशन और फैलिंग ओवर एन एरिया में फार्मिंग अ पार्ट और होल वर्क करता है वर्किंग करता है सर्कल का है ना विदाउट अफेक्टिंग लोकल कंडीशन को बिना इफेक्ट किए उसे बोलते हैं हम लोग फैलिंग सीरीज बोल देंगे। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो ओजोन डे है हमने बताया था वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, 16 सितंबर में किया जाता है। इसका जो डेप्लीशन हो रहा है वो किसके कारण होता है, CFC है ना जो AC चला रहे हैं उनसे भी होता है, ठीक है। फ्रिज रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा उससे भी ओजोन लेयर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। विच वन डज नॉट कम्स अंडर नॉन रेंडम सैम्पलिंग में, कौन सा नहीं आता वो स्ट्रेटिफाइड इज नॉट डज नॉट कम्स अंडर नॉन रेंडम सैम्पलिंग। एलिलोपैथी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमिनशेलिज का ये एक एग्जाम्पल है। तो एलिलोपैथी की बात करें ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वो इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ अनादर, दूसरे प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको भी क्या कर देते हैं इफेक्टिव कर देते हैं, उसको हम लोग एलिलोपैथी बोलते हैं। इन हिली रीजन DBH इज मेजर टू वर्ड, सो DBH है डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ठीक है ब्रेस्ट हाइट अप हिल साइड में है। टेबल सोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टम्प्स बाय डायमीटर क्लासेस इज स्टैंड टेबल। बीबी पेरी इज फाउंड इन कर्कस सेमिकार्पी फोलिया। कोड गिवन बाय चैम्पियन एंड सेट फॉर फ्रेश स्वैम्प फॉरेस्ट एरिया 4C L1/L1।
71-75 का जो है इन इंडिया परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट फायर बाय लाइटनिंग इज, इनमें से इंडिया में जो परसेंटेज है फॉरेस्ट फायर का लाइटनिंग के कारण वो है लेस देन 5%। टाइप ऑफ फायर दैट अकर्स इन पाइन फॉरेस्ट, इनमें से टाइप ऑफ फायर क्या है, इसमें से कौन सा प्रकार का टाइप है जो कि पाइन फॉरेस्ट में मिलता है, वो है क्राउन फायर। विच स्पीसीज इज हाईली प्रिफर्ड फॉर पॉन्ड एंड टैंक बैड प्लांटेशन, अकेशिया निरोटिका। नेम ऑफ कॉजल एजेंट ऑफ पिंक डिजीज इन यूकेलिप्टस, इसमें नेम क्या है कॉजल एजेंट का पिंक डिजीज इन यूकेलिप्टस का, तो कॉटिकम साल्मोनिकोलर। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन कर्व इफ हाइट इज एक्स, बेसल एरिया इज वाई और फॉर्म फैक्टर इज जेड। इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और इसका ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैसे ही कैलकुलेट करते हैं। If exotic become established and starts its natural regeneration, it is called as land trance. Next है when felling series is equal to rotation period, it is called as clear felling system. जब felling जो series है वो equal होती है किसके rotation period को, उसको बोल देते हैं हम लोग clear felling system. False color composite is known as infrared color photograph. Height at which aircraft are used for aerial photographic, हाइट किसकी हाइट जो एयरक्राफ्ट में क्या होते हैं जहाँ पे हम लोग एरियल फोटोग्राफ को लेते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है हाइट का 500-1500 meters तक की हाइट को हम एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। इंडियन सैटेलाइट कौन सी है IRNSS, IRNSS stands for इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। लैंड कैपेबिलिटी क्लास 1 इज डिनोटेड बाई विच कलर ग्रीन से इसको डिनोट किया जाता है। कैरियर ट्राइब्स आर, इनमें से न्यू लोकल मैट्री लोकल और पैट्री लोकल है इसमें है। नेक्स्ट है पार्शियल लैंड फाउंड इन सेंट्रल एशिया इज कॉल्ड एज स्टेप्स। 88 का हो जाएगा सीड टेस्टिंग इज नॉट डन फॉर, सीड टेस्टिंग इसमें डन नहीं होता, वो स्टोरेज ऑफ सीड्स में इसको सीड टेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने बराबर होता है हेक्टेयर के, वो होगा 100 एकड़ के बराबर होता है। विच इज़ नॉट फिजिकल म्यूटाजन, इसमें से कौन सा फिजिकल म्यूटाजन नहीं है, इसमें केमिकल नेम दिया है अमंग्स एक्सरे इंफ्रारेड रे है ना केमिकल एंड थर्मल सेंसर्स। नेक्स्ट है 91 एली क्रॉपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैज रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से इसको जाना जाता है एली क्रॉपिंग को। असिस्टिंग नेचुरल रिजनरेशन इज कल्चरल ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री। 1 कार्बन क्रेडिट यूनिट इज इक्वल टू, जो 1 कार्बन क्रेडिट यूनिट है वो किसके इक्वल होता है 1000 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर हाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड इट इज एट्रिब्यूटेड टू हाई फोटोसिंथेटिक रेट। इनमें से जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है हाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए एंड इट इज एट्रिब्यूटेड टू हाई फोटोसिंथेटिक रेट। प्रेकाइज्ड मेथड ऑफ मेजरिंग फेल्ड लॉग इज न्यूटन्स फार्मूला। अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन टाइम एंड स्पेस, अरेंजमेंट किसका कंपोनेंट का टाइम में और स्पेस में उसको हम बोल देते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। हाईली प्रोडक्टिव सिस्टम क्या है एचरी है। क्विनीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, हम लोग क्विनीन को कहाँ से निकालते हैं उसको निकालते हैं सिनकोना से निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। एल्डर बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री इज फेमस इन विच रीजन, एल्डर बेस्ड जो एग्रोफॉरेस्ट्री है वो किस रीजन में बेस्ड है, वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। लूपिंग शुड यील्ड एटलीस्ट टाइम्स बॉर्डर इन अ ईयर, जो लूपिंग है किसमें होती सौर में होती ठीक है, तो इसमें क्या होगा जो लूपिंग है ना एटलीस्ट कितने ईयर में करना चाहिए कितने टाइम्स फॉर्डर इन ईयर में, तो आंसर तो हमने दिया है लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो 100 questions हैं एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड वो हमारे कंप्लीट होते हैं। सो आई होप्स आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, यदि हाँ डाउट होते हैं यदि आपको लगता है कि कुछ गलत है आप कमेंट सेक्शन में करके पोलाइटली बता सकते हैं उसको। ठीक है, आप उसमें गलत कमेंट ना करें है ना, तो ठीक है आपको यदि आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें ताकि आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ को परचेस करना है कोर्स को परचेस करना है तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।